बनाया तो पूरा मैंने, आखिरी में आके बस स्वानी ने थोड़ा सा उसको बनाया। देखो मेन इंग्रेडिएंट्स तो शेफ को पता था, शेफ ने मेन, अभी जो हमने रेडी किया उस चीज को मैं आपको दिखा दूँ कि वो क्या बन क्या है। आज हम आए हैं कुकिंग सेशन पे, कुकिंग डेमो है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मुझे अंदर डेमो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जैसे कि आप रहता है। तो डिश नेम क्या है? मिक्स वेजिटेबल तोरण, and for the coconut oil after it reach, first we add the mustard seed. Okay, red chili and shallots. We only add other items way after the tempo. Otherwise, it's a better taste. आपको मेंशन कर दूंगा मैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स का मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या क्या डालने हैं उसमें, दोबारा मैं आपको बता दूंगा। बट आपने देख लिया होगा कि क्या क्या डाले हैं, मैं आपको ऊपर से एक बार वीडियो दिखा देता हूँ इसकी। ये है टोटल इंग्रेडिएंट्स इसमें, ठीक है। और इसमें था आपका मिक्स वेजिटेबल चॉप्ड, और ये बासमती राइस थे जो हम उसमें डाल चुके हैं, और अभी हम ट्राई करेंगे इनको। मैं वैसे पहले बना चुका
और अब सुहानी कह रही है कि मैं सोटे करूंगी, तो आ जाओ भाई सुहानी लगाओ इसको, कैसे लगाओगे? तो अब न्यू शेफ इज रेडी, सो देख सकते हैं सुहानी शेफ बिल्कुल लग रही है, परफेक्टली फाइन, इसकी ड्रेस भी मैच हो रही है सुहानी, नो डाउट आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, बट देखो अगर टेस्ट नहीं आया ना, हो गया डन, अभी उसको वो बॉइल हो रहा है, एक मिनट दिखाना। राइस रेडी हो चुके हैं एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स, दो मिनट हो, अभी इनको स्टीम लग रहा है। शेफ क्या हुआ तुम्हारे? स्वानी क्या कह रहे हो? अच्छा अभी आओ, इंग्रेडिएंट्स रहे, ओके तो ये वही बॉइल्ड वेजिटेबल्स है और ये कोकोनट क्रेट इसमें भी आया है। सुहानी देखो घर पे तो तुम टेस्टी बनाते हो खाना, यहाँ भी होना चाहिए। हाँ घर पे भी तुम ट्राई करोगे ये, ठीक है? जीरा पाउडर इनको पहना दो। गाइस कैसी लगी हमारी कुकिंग क्लासेस? अब हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? देखो बनाया तो पूरा मैंने, आखिरी में आके बस स्वानी ने थोड़ा सा उसको बनाया। मेन इंग्रेडिएंट्स तो शेफ को पता था, शेफ ने मेन किया। सो आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारी डेमो क्लासेस थी यहाँ पे ब्लैंकेट होटल में, तो ये इनका एक सेशन होता है 5 to 6:30 PM। सो कोई भी नहीं था तो हमने शुरू में आके इसको कुक किया एंड पूरे अच्छे से मैंने इसकी वीडियो बनाई है। सो आप देखना प्लीज़ इसको पूरा अच्छे से, और अभी जब हम ट्राई करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तुम बताना कि इसका टेस्ट कैसा है अभी हम जब ट्राई करेंगे। okay. अभी जो हमने रेडी किया है उस चीज़ को मैं आपको दिखा दूँ कि वो क्या बन क्या है। इट्स वेरी हेल्दी एक्चुअली। हम सबने मेन तो शेफ है जिन्होंने ये यहाँ की एक नई डिश बताई है हमें, तो बनाया थोड़ा बहुत मैंने, सोटे मैंने किया है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो डिश, ठीक है? और वो बहुत ही हेल्दी होने वाली है, देखो दिखाता हूँ आपको। लेट्स एंड दिस इज़ द डिश, ये डिश तैयार हुई है बनके, एंड इसमें सुहानी का भी थोड़ा सा योगदान है और मेरा भी योगदान है और मेन शेफ का, जो जिसको पता है इंग्रेडिएंट्स इसके बारे में। ये वही सब्जी है जिसकी मिक्स्ड वेजिटेबल है, जिसमें क्रेट करके इसमें कोकोनट डाला गया है, और ये राइस है जिसमें करी पत्ता और कुछ क्रंचीनेस चीज़ों का। इतना परफेक्ट, मतलब सॉल्ट और ग्रीन चिलीज का जो टेस्ट आ रहा है, जैसे कि पीनट, यार इट्स फॉर क्रंचीनेस। उसने डाले कितने, 4-5 ही तो पीनट डाले हैं। इसे इसका रिव्यू लेते हैं, रिव्यू बताओ अब आप, आपको कैसा लगा ये? बट नाउ जब व्हेन वी आर ईटिंग तो बहुत डिलीशियस, इट्स वेरी डिलीशियस, यस, क्रंचीनेस, यस, ओके। फिनिश गाइस, एंड में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये डिश, और प्लीज ट्राई करना है इसको, क्योंकि हम तो डेफिनेटली करने वाले हैं ना सुहानी, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, डन। और गाइस बाहर का जरा वेदर देख लो, अभी क्लीन था यहाँ पे वेदर, अब एकदम बाहर क्लाउडी है। कल आएगा फर्स्ट टाइम इन केरला डिशेस
अभी क्या है, कुकिंग सेशन खत्म हुआ है तो अभी हमने बूफे की बात करी है. 7:30 से बूफे स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे सुहानी गई है वापसी रूम में. शी क्या हुआ, हमारा नीचे है B4 पे आ गया. तो अभी हम जा रहे हैं वापसी रूम पे और यहाँ पे पता लगा कि जो इस होटल है, होटल के टॉप फ्लोर पे फायर शो होता है. वहाँ पे डांस वगैरह पता नहीं क्या होता है, अभी वो जाके ही पता लगेगा, देखते हैं. तो अभी चलते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और रेस्ट करते हैं, बिकॉज़ बड़ी देर से बाहर हम होटल में इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की वादी इंजॉय कर रहे हैं. और फिर बूफे के टाइम पर मिलते हैं, डिनर के टाइम पर और फायर शो पर. ओके, थैंक यू.